नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। चलिए आज बात करते हैं इंड एएस 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन के बारे में, एक क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो बताता है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम इंड एएस अडॉप्ट करोगे तो आप प्रीवियस गैप से नए गैप पे किस तरीके से ट्रांजिट करोगे, आपके नंबर्स किस तरीके से मूव करेंगे। जिस भी साल आपके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल है उससे पिछले साल की जो शुरुआत होगी वो आपकी डेट ऑफ ट्रांजिशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके ऊपर 1 अप्रैल 2022 से इंड एएस एप्लीकेबल है, तो 2022-23 आपका पहला फाइनेंशियल ईयर होगा इंड एएस का, और उससे जो पिछले साल का नंबर है, मतलब पिछला साल जो 1 अप्रैल 2021 है, वो आपका डेट ऑफ ट्रांजिशन होगा। इंड एएस 101 की एप्लीकेबिलिटी जो है वो है डेट ऑफ ट्रांजिशन पे, जब आप नंबर्स को स्विच करते हैं। ठीक है, अब इंड एएस 101 बोलता है जब आपको नंबर्स को ट्रांजिट करना है उसके लिए आपको चार चीजें करनी है। फर्स्ट, अगर कोई ऐसा एसेट या लायबिलिटी है जो आपको लगता है कि रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज पर इंड एएस, ऑल्दो आपने हो सकता है प्रीवियस गैप में रिकॉग्नाइज नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं है, इंड एएस में रिकॉग्नाइज कर दो। सेकंड, डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए उन एसेट और लायबिलिटीज को जो आपने प्रीवियस गैप में रिकॉर्ड किए थे बट इंड एएस में उसकी रेलेवेंस नहीं है। थर्ड, जहां जहां पे आपको रीग्रुपिंग करने की जरूरत है, रीक्लासिफिकेशन करने की जरूरत है, आप वहां पे रीग्रुपिंग और रीक्लासिफिकेशन कर दीजिए। फोर्थ, आपको जितने भी एसेट और लायबिलिटीज को मेजर करना है इंड एएस के फाइनेंशियल में वो आपको एज पर इंड एएस करना पड़ेगा, दैट मींस आपको रेट्रोस्पेक्टिवली सारे इंड एएस लगाने पड़ेंगे। अब इसकी वजह से आ गई जी प्रॉब्लम, अगर सारे इंड एएस को आपको बैक डेट पे लगाना पड़ जाए, रेट्रोस्पेक्टिवली लगाना पड़ जाए, तो दिस इज अ वेरी 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 प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर एवरीवन। इसीलिए स्टैंडर्ड ने कुछ आपको एग्जेम्पशंस दी और कुछ एक्सेप्शंस दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपसे जो इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन और एक्सेप्शन है पहले वो डिस्कस करूंगा, देन जो कम इंपॉर्टेंट है वो बाद में डिस्कस करूंगा। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका एस्टिमेट। स्टैंडर्ड ने कहा देख लो क्या आपको प्रीवियस गैप के अंदर एस्टिमेट बनाना था, क्या वो एज पर इंड एएस है या नहीं है, अगर है तो उसे ले लो, बट अगर आपको या तो प्रीवियस गैप में कोई एस्टिमेट नहीं बनाना था बट इंड एएस में बनाना है, सेकंड प्रीवियस गैप में आपने एस्टिमेट बनाया है बट उसके अंदर एरर है, अगर ये दो सिचुएशन है तो स्टैंडर्ड कहता है आप अपने एस्टिमेट को दोबारा से कैलकुलेट कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जो भी आपकी कैरिंग अमाउंट और रिवाइज एस्टिमेट का डिफरेंस है उसको आप रिटेन अर्निंग में पार्क कर दीजिएगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती है वो आती है जी बिजनेस कॉम्बिनेशन और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की। स्टैंडर्ड कहता है कि मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप चाहो तो प्रीवियस डेट ऑफ ट्रांजिशन से पहले आपने जो भी बिजनेस कॉम्बिनेशन किया है आप उसको रीस्टेट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी एक प्रीवियस बिजनेस कॉम्बिनेशन रीस्टेट कर दिया तो उसके बाद के आपको सारे बिजनेस कॉम्बिनेशन रीस्टेट करने पड़ेंगे। मान लीजिए आप बिजनेस कॉम्बिनेशन को प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हैं तो इन दैट केस जो भी आपका एनसीआई होगा, गुडविल होगा, कैपिटल रिजर्व होगा फ्रॉम द बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाउएवर अगर आप बैकडेट से अप्लाई करते हैं तो इनकी वैल्यूज में चेंज हो जाएंगे। यहां पे एक छोटी सी चीज याद रखना, ऑल्दो मैं बोल रहा हूं गुडविल और कैपिटल रिजर्व की वैल्यू में चेंज नहीं होगा, बट फिर भी यहां पे आपको हो सकता है दो एडजस्टमेंट करनी पड़े। जब आप गुडविल की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एसेट हो सकते हैं, ऐसे इंटेंजिबल एसेट हो सकते हैं जो आपने प्रीवियस गैप में रिकॉग्नाइज नहीं किए, विच हैज बीन सब्स्यूम्ड इनटू गुडविल, जिनको आपको इंड एएस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इंड एएस कहता है कि ठीक है आप उन्हें क्या करो, रिकॉग्नाइज करो, उसकी वजह से क्या होगा आपका गुडविल का बैलेंस कॉरेस्पॉन्डिंगली कम हो जाएगा। सेकंड, आप गुडविल में एक एडजस्टमेंट और देख लेना, विच इज योर इंपेयरमेंट की। जब भी आपका डेट ऑफ ट्रांजिशन होता है, सिंस आपकी जो गुडविल है उसको एनुअली इंपेयर करना होता है, तो डेट ऑफ ट्रांजिशन पे आप उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कीजिए और देखिए क्या कोई इंपेयरमेंट तो नहीं आ रही। अगर इंपेयरमेंट आ रही है तो इंपेयर कीजिए और रिटेन अर्निंग के थ्रू अपना इंपैक्ट ले जाइएगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती है वो आती है शेयर बेस्ड पेमेंट की। यहाँ पे चेक कर लो क्या वेस्टेड ऑप्शन है, अनवेस्टेड ऑप्शन है। अगर वेस्टेड ऑप्शन है तो आपके पास ऑप्शन है कि पुराने वालों के साथ कोई छेड़खानी मत करो, बट अगर आप करना चाहते हो रिट्रोस्पेक्टिवली इंड एएस 102 अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, जो भी डिफरेंस हो रिटेन अर्निंग में ले जाना। बट अगर अनवेस्टेड शेयर बेस्ड पेमेंट है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इन दैट केस आपको बैक डेट रिट्रोस्पेक्टिवली इंड एएस 102 अप्लाई करना पड़ेगा और जो भी इंपैक्ट आएगा रिटेन अर्निंग में जाएगा। चौथी जो एडजस्टमेंट मैं बात करने जा रहा हूं वो है कि कभी भी आपको गवर्नमेंट लोन मिला है एट अ रेट लोअर इन द मार्केट रेट, तो इन दैट केस क्या करना है। अब अगर मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बात करूं तो यहां पर आपका गवर्नमेंट ग्रांट इन्वॉल्वड है, विच इज एज पर इंड एएस 20। अब यहां पर इंड एएस 101 ने आपको ऑप्शन दे दिया, आप चाहो तो बैकडेट पे जाके इंड एएस 20 मत अप्लाई करो, आपको गवर्नमेंट ग्रांट अलग करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपकी डेट ऑफ ट्रांजिशन पे कैरिंग वैल्यू आ रही है गवर्नमेंट लोन की उसको आप फाइनेंशियल लायबिलिटी मानो और अकाउंटिंग करो। बट आप बोलते हो नहीं मैं तो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करूंगा, तो आप डेट ऑफ ट्रांजिशन पे लायबिलिटी का नंबर निकाल लेना, लायबिलिटी विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज योर गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, जो पांचवी मेजर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो है आपकी पीपीई की। जहां पर आपके पास ऑप्शन है कि जब आप ट्रांजिट करते हैं तो आप या तो बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली इंड एएस 16 लगा लीजिए, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप चाहो तो फेयर वैल्यू पे लगा लो, रिवैल्यूड अमाउंट पे आप कैरी ऑन कर लीजिए, और तीसरा एक और ऑप्शन अवेलेबल है अगर आप इनमें से कुछ नहीं करना चाहते तो प्रीवियस गैप में जो भी आपकी नेट कैरिंग वैल्यू है विच इज ग्रॉस अमाउंट माइनस में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसको आप क्या करना इंड एएस के अंदर कैरिंग अमाउंट ले लेना। बट यहां पर एक चीज याद रखना, फेयर वैल्यू और रिवैल्यूएशन वाले केस में तो आपके पास चेरी पिकिंग अलाउड है, आप किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट के लिए फेयर वैल्यू कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट के लिए रिवैल्यू कर सकते हो, बाकियों पे आप इंड एएस 16 लगा सकते हो रिट्रोस्पेक्टिवली। बट
अगर आपने ये एग्जम्पशन ले ली कि आप प्रीवियस गैप की कैरिंग वैल्यू यूज करना चाहते हैं, तो याद रखना आपको सबके लिए यूज करना पड़ेगा, वहां पे आपके पास कोई भी चेरी पिकिंग अलाउड नहीं है। साथ साथ आपके पास एक डीकमिशनिंग लायबिलिटी का भी प्रोविजन बनाने की जरूरत हो सकती है। वहां पे क्या होता है देख लीजिए, स्टैंडर्ड कहता है कि आप डेट ऑफ ट्रांजिशन पे डीकमिशनिंग लायबिलिटी को कैलकुलेट कर लीजिए, वहां पे आप इंडिया 37 के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकाल देना। अब क्या पीपी में इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा कि क्या आपका रिवैल्यूएशन मॉडल पे आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, कॉस्ट मॉडल पे करने जा रहे हैं। मान लीजिए आप रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर अपना पीपी अकाउंट फॉर कर रहे हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ ट्रांजिशन पे आ रही है डीकमिशनिंग लायबिलिटी, उसको आप किससे रिकॉग्नाइज करना, रिटेन्ड अर्निंग से रिकॉग्नाइज करना, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी, और एसेट को आप फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले लेना। उसकी वैल्यू जो लेना वो ग्रॉस बेसिस पे लेना, नेट ऑफ डीकमिशनिंग लायबिलिटी मत लेना, बस याद रखना। बट अगर कॉस्ट मॉडल है तो थोड़ा स्पेसिफिक रहेंगी चीजें। पहले आप डीकमिशनिंग लायबिलिटी निकाल लीजिए इंडेस 37 के अकॉर्डिंग, देन अब आप पीपीई में कैसे कैपिटलाइज करेंगे, वहां पे आप स्टेप वन पे निकालो कि आपकी डीकमिशनिंग लायबिलिटी कितनी होती है जब आपने कैपिटलाइज किया था एसेट, देन जब कैपिटलाइज किया उससे लेकर डेट ऑफ ट्रांजिशन तक क्या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता, देन दोनों का डिफरेंस। तो ये अमाउंट होगी पीपीई में कैपिटलाइज, डीकमिशनिंग लायबिलिटी कितने की बनेगी वो हमने पहले ही निकाल ली थी, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो रिटेन्ड अर्निंग के अंदर जाएगा। इसके अलावा तीन और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जैसे लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। अगर आपने पैरा 46 ए की एग्जेम्पशन ले रखी है एएस के अंदर, तो इंडेस 101 कहता है कि ठीक है मैं जो भी आपके एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है उसके लिए आपको प्रीवियस वाली पॉलिसी फॉलो करने अलाउ कर सकता हूं, वो आपका ऑप्शन है, आप लो या ना लो। अगर आप नहीं लेते हो तो जो भी डिफरेंस है उठा के, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस कैपिटलाइज किया उठा के रिटेन्ड अर्निंग में ले जाना। सिमिलरली आपके पास आता है क्यूमुलेटिव, जो ट्रांसलेशन डिफरेंस आपने किसी फॉरेन ऑपरेशन के ऊपर बना रखा है, तो वहां पे भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उसे जीरोइज कर सकते हो ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। एक और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती है, मान लीजिए आपके पास कोई जॉइंट अरेंजमेंट था जिसकी आप प्रपोस्टेड कंसोलिडेशन करते थे प्रीवियस गैप में। अब आपको पता लगा कि भैया ये तो जॉइंट वेंचर है, अब आपको इक्विटी मेथड लगाना है, तो क्या करोगे? तो इन दैट केस देखो, आपने जो भी एसेट लायबिलिटी कैपिटलाइज किए थे अंडर द प्रपोस्टेड कंसोलिडेशन उसको आप डी रिकॉग्नाइज कर दो, एसेट खत्म लायबिलिटी खत्म, जो भी दोनों का डिफरेंस है उठा के आप उतनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट में ले जाना और उसके ऊपर इंडेस 28 के अकॉर्डिंग इक्विटी मेथड लगा देना। याद रखना यहाँ पे जो गुडविल आएगी वो प्रपोर्शनेट गुडविल हो सकती है, हो सकता है फुल गुडविल भी आए, हो सकता है प्रपोर्शनेट गुडविल भी आए, जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है दोस्त, ये तो हो गई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इसके अलावा कुछ और एडजस्टमेंट है, जैसे जो भी आपके फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटीज का जो फेयर वैल्यूएशन है वो आप डेट ऑफ ट्रांजिशन पे करो, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो, हेज अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो। इसके अलावा आपके पास जो एम्बेडेड डेरिवेटिव की अकाउंटिंग है वो आप प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो। फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी की जो क्लासिफिकेशन है वो आप डेट ऑफ ट्रांजिशन पे देख लो कि वो ACM मेथड है क्या है, उस दिन आप कर लेना। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और हो सकती है कि मान लीजिए कोई फाइनेंशियल एसेट है, आप जब आप प्रीवियस गैप में थे तो आपने उसे कॉस्ट पे लिया होगा, बट जब आप इंडेस पे आ रहे हो सकता है आपको फेयर वैल्यू करना पड़े, तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है आप डेट ऑफ ट्रांजिशन पे उसे फेयर वैल्यू कर लो, और जो भी फेयर वैल्यू का इंपैक्ट है वो आप कहां पे लेके चले जाना, रिटेन अर्निंग में लेके चले जाना। इसके अलावा लीजेस की एक एडजस्टमेंट हो सकती है, लीजेस के ऊपर एक ऑप्शन अवेलेबल है। मान लीजिए आपने प्रीवियस गैप में अगर आप लेसी हैं और आपने कोई भी आरओयू एसेट लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो इंडेस कहता है कोई दिक्कत नहीं डेट ऑफ ट्रांजिशन पे आप क्या करो, आपने लीज लायबिलिटी निकाल लो विच इज इक्वल टू योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी, कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट पे आप अपना आरओयू एसेट रिकॉग्नाइज कर देना। बट अगर कोई प्रीपेड रेंट है या फिर कोई एक्रूड रेंट है तो उसको आप आरओयू एसेट में एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे आप रेट ऑफ डिस्काउंट कौन सा यूज करोगे, जो भी डेट ऑफ ट्रांजिशन पे रेट है आप उसको यूज कर लेना। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास नॉन करेंट एसेट विच इज हेल्ड फॉर सेल है, तो उस केस में आपको लेना होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब स्टैंडर्ड कहता है बैक डेट पे जाने की जरूरत नहीं है, डेट ऑफ ट्रांजिशन पे जो कुछ भी अमाउंट है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का आप उसको ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटी सी एडजस्टमेंट और होती है, एक छोटा सा एग्जेम्पशन और है कि मान लीजिए कभी ऐसा है कि सब्सिडी पेरेंट से पहले इंडिया से अडॉप्ट कर लेती है, तो स्टैंडर्ड कहता है कोई दिक्कत नहीं है उन्हें कर लेने दीजिए, पेरेंट जब स्टैंडर्ड इंडिया से अडॉप्ट करेगा तो सब्सिडी की वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं करेगा। ऑन द अदर साइड अगर आप अपोजिट कर दो, सब्सिडी पेरेंट के बाद इंडिया से अडॉप्ट करती है, तो इंडैट के सब्सिडी के पास ऑप्शन है, जो भी पेरेंट ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडी के नंबर लिए हैं वो उसको लेके अपनी अकाउंटिंग कर सकता है, अपने अकाउंट्स बना सकता है। एक सवाल कभी कभी ये आता है कि मान लीजिए कभी ऐसा है कि पहले मैं जॉइंट वेंचर की तरह अकाउंटिंग करता था, इक्विटी मेथड लगाता था, और अब मुझे जॉइंट प्रपोस्टेड कंसोलिडेशन करना है, तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है आपने पहले इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज करी थी उसे डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए, एसेट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर दीजिए। कभी भी ऐसा है कि आपके जो नेट एसेट है आपने जो इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज करी थी उससे ज्यादा है, तो पहले एडजस्टमेंट करना आप किसके साथ, गुडविल के साथ, बाकी जो बचे उठा के रिटेन्ड अर्निंग के साथ एडजस्ट कर देना। ऑन द अदर साइड अगर अपोजिट है तो उठा के भैया रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्ट कर देना। एक छोटी सी चीज और याद रखिएगा कि ये जितनी भी
एडजस्टमेंट आप कर रहे हो सकता है सबके ऊपर आपको डेफर टैक्स लायबिलिटी या एसेट बनाना पड़े, क्यों? क्योंकि आपका कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में फर्क आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हो गई मोटा मोटा आपकी एग्जेम्पशंस और एक्सेप्शन जो आपके पास स्टैंडर्ड में है। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन जो आता है एक आ जाता है जहां पे आपको इंपैक्ट असेस करना है, वहां पे आप ये एग्जेम्पशंस के बेसिस पे निकाल सकते हैं। प्लस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको बैलेंस शीट दे दें पुराने गैप की और बोले नई गैप की बैलेंस शीट बनानी है, तो उसमें दो तीन चीजें याद रखना। जब आप नई गैप की बैलेंस शीट बना रहे होगे तो रिस्पेक्टिव हेड्स में जहां जहां पे रीग्रुपिंग है कर देना। जैसे मान लीजिए कोई पीपीई से आइटम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा रही है तो रीग्रुप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जो जो आपने रीग्रुपिंग करी है, जो जो एडजस्टमेंट करी है, उसके लिए एक एडजस्टमेंट का कॉलम बनाना, वहां पे सारी एडजस्टमेंट करना। बट एक चीज याद रखना, जितनी भी आप एडजस्टमेंट करोगे सारी आपको नोट्स में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो पुरानी बैलेंस शीट के नंबर, एडजस्टमेंट, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास नई बैलेंस शीट के नंबर आ जाएंगे। हो सकता है कभी कभी स्टैंडर्ड आपसे रिकंसिलेशन बनवा ले टोटल इक्विटी की, तो उसको ध्यान से देख लेना कि पिछले स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी टोटल इक्विटी क्या थी। उसके अंदर जो भी चीज आपकी रिटेन अर्निंग को बढ़ा रही है उसे जोड़ देना, जो भी चीज रिटेन अर्निंग को कम कर रही है उसे घटा देना। मान लीजिए कोई ऐसा प्रेफरेंस शेयर है जो पहले आपने इक्विटी में लिया था, अब आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी में लेना है, तो उसको भी घटा देना क्योंकि अब वो इक्विटी का पार्ट नहीं है। इसके बाद आपके पास क्लोजिंग टोटल इक्विटी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका मोटा मोटा स्टैंडर्ड। ठीक है, जय श्री श्याम।